आगामी त्योहारों को देखते हुए शहरी थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शिवरात्रि पर्व को देखते हुए बैठक रखी गई। आयोजन समिति ने अपनी अपनी बात रखी। इस मौके पर एसडीओपी सुमित केरकेटा, एसडीएम मनोज चौरसिया, शहरी थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया, तहसीलदार इसरार अहमद खान, शिवशाही समिति के सदस्य आकाश परिहार, सौरभ नेमा, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर शाही समिति द्वारा सभी आदरणीय जनों से उपस्थित रहकर आयोजन को सफल बनाने का निवेदन किया। बैठक में निर्णय लिया गया, समिति के सदस्यों ने अपनी सारी कार्यक्रम की रचना, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अधिकारियों के लिए विस्तृत रूप से जानकारी दी और अधिकारियों ने भी पूर्णतः हम लोग को संतुष्ट किया है कि शिवशाही समिति के कार्यक्रम में प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की किसी भी व्यवस्था में कोई भी छूट नहीं की जाएगी। इसमें नगर पालिका की तरफ से भी उनकी प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनकी प्रतिनिधि, बिजली ऑफिस की तरफ से उनकी प्रतिनिधि ने अपना अपना पक्ष रखा। हम लोगों ने अपनी बात रखी और हम लोग और प्रशासन के बीच में और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यह कार्यक्रम और बढ़ चढ़ के और ऐतिहासिक रूप से संपन्न होगा। कितनी झांकियाँ निकाली जाएंगी? झांकियों की संख्या कोई निर्धारित तो नहीं है, असंख्य झांकियों का एक रहता है मुख्य विषय, लेकिन जो अभी वर्तमान में समिति की तैयारियों के हिसाब से लगभग 74 झांकियाँ अभी तक हम लोग की तैयार हो चुकी हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार के जो रूप है वो रहेंगे, भगवान विष्णु के 12 अवतार रहेंगे और भी खुरई विकास के रूप में भी झांकियाँ रहेंगी, उसमें स्वच्छ भारत की भी झांकी रहेगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह की जो सामाजिक संदेश होते हैं इस तरह की भी झांकी हम लोग सम्मिलित करते हैं जिससे लोगों में जागरूकता हो।